लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पत्रकार वार्ता में मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती 8 बजे से 8:30 बजे तक होगी। 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 94 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 33 जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय में होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। कुछ लोकसभा क्षेत्र में 21 टेबल लगाया गया है। 12 से लेकर 24 राउंड तक मतगणना चलेगी। वही मतगणना के दौरान 3 लेयर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्य में 33 केंद्रीय बल की कंपनी को तैनात भी किया गया है। रीना बाबा साहेब कंगाले ने यह भी बताया कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4,362 गणना कर्मी और 1,672 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मतगणना दिवस के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है और प्रत्येक मेज पर जो है एक एआरओ के मार्गदर्शन में जो है पूरी डाक मतपत्र की गणना होगी। उसी तरह जो हमारे ईवीएम काउंटिंग है वो हर राउंड में 14 टेबल रहेगा और हर 7 टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में जो है गणना होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में जो अभ्यर्थी है और जो गणना एजेंट है उनके लिए पृथक प्रवेश द्वार है और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंटों को हमने फोटो युक्त पहचान पत्र दिए हैं। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि कल अनिवार्य रूप से मतगणना प्रारंभ किए गए नियत समय से 1 घंटा पूर्व आप मतगणना केंद्र में प्रवेश कर ले। हमने जो परिचय पत्र दिया हुआ है उसको अनिवार्य रूप से आप लेकर आएं। मतगणना केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 स्तरीय 3 टीयर लेयर में हमने सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है और जो सबसे बाहरी दायरा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस जिला पुलिस बल हमने लगाया है। उसके उपरांत 100 मीटर की परिधि में जो है पूर्ण रूप से गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा और ये पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। 100 मीटर तक पैदल चलने के पश्चात ही मतगणना केंद्र में आपको प्रवेश मिल पाएगा और विधिवत बैरिकेडिंग और कलर कोडिंग और कलर पासेस जारी किए गए हैं जिससे कि ये हम सुनिश्चित करा सके कि जिस विधानसभा क्षेत्र और मतगणना हॉल के लिए जो निर्धारित प्रवेश द्वार है और निर्धारित एरिया है वहीं से एंट्री सभी ले सकें और सभी जगह पर वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है जो पूर्ण रूप से सभी काउंटिंग सेंटर्स के कानून सुव्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी भी तैनाती की है और जो अंतिम दायरा है जहाँ पर मतगणना रहेगी और मतगणना हॉल है वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमने लगाया है। पूरे राज्य में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 33 कंपनियाँ इन मतदान केंद्रों में लगी है और राज्य सशस्त्र बल भी हमने एक एक कंपनी हर मतदान केंद्र में लगाई है और डिस्ट्रिक्ट फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है तो काफ़ी पर्याप्त सुरक्षा बल उनकी निगरानी में पूरी काउंटिंग होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हमने मीडिया सेंटर स्थापित किया है और मीडिया सेंटर में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। सभी प्राधिकार प्राप्त मीडिया कर्मी जो है वो मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है इनको मीडिया समूहों को मतगणना हॉल का कवरेज करने की अनुमति रहेगी। यहाँ पर केवल हैंड हेल्ड कैमरा ही आप लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्टैटिक कैमरा या स्टैंड वाले जो कैमरा या वीडियोग्राफी है वो प्रतिबंधित रहेगी काउंटिंग हॉल के अंदर। और कहाँ तक काउंटिंग हॉल में प्रवेश रहेगा उसके लिए चौक से मार्किंग होगी और वहीं तक प्रवेश की अनुमति रहेगी। काउंटिंग हॉल के अंदर जो है केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर,
निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन आयोग से नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर्स, निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता, केवल इन्हीं को प्रवेश की अनुमति रहेगी। और जो राज्य में काउंटिंग होगा उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है नियुक्ति की गई है। मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जो व्यवस्था हमने बैठक की बनाई है वो व्यवस्था कल काउंटिंग सेंटर पर यह रहेगी कि सबसे प्रथम जो लाइन है उसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी और उनके मतगणना अभिकर्ता रहेंगे, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी उसके बाद, और उसके पश्चात अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता और पंजीकृत अमान्य प्राप्त राज्य नैतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, और अंत में जो है निर्दलीय